लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल बॉबी देओल ने 4 साल बाद सलमान खान के साथ रेस 3 से बॉलीवुड में वापसी की थी, लेकिन दर्शकों को ये फिल्म खासी पसंद नहीं आई और फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र और भाई सनी देओल के साथ फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में नजर आए और इन दिनों बॉबी फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग में बिजी हैं। अब इन सबके बीच बॉबी देओल के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में बॉबी बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉबी देओल ने शाहरुख खान के प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया है। ऐसा पहली बार होगा जब शाहरुख खान के साथ बॉबी देओल की जोड़ी किसी प्रोजेक्ट में साथ नजर आएगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट में दोनों स्टार्स का क्या रोल होगा इसे लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि इस फिल्म को शाहरुख खान ही प्रोड्यूस करेंगे। आपको बता दें कि 90 के दशक में बरसात फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बॉबी देओल की कुछ फिल्में हिट हुई तो वहीं कुछ फिल्में फ्लॉप साबित हुई। एक समय तो ऐसा आया जब बॉबी को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था, जिसके बाद बॉबी 4 साल तक खाली बैठे रहे। इसके बाद बॉबी देओल के डूबते करियर को फिर से पटरी पर लाने की जिम्मेदारी सलमान खान ने उठाई। बॉबी देओल को फिटनेस के टिप्स देने से लेकर उनके फिल्मी प्रोजेक्ट तक इन सारी चीजों पर सलमान खान खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। बॉबी की कमबैक फिल्म रेस 3 को भले ही फैंस ने खासा पसंद नहीं किया, लेकिन बॉबी के लुक को काफी सराहा गया था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।